सिंगरौली जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर चितरंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम वर्दी के गोपत नदी में एक बालक की डूबने से मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने 6 घंटे में रेस्क्यू किया, तब जाके शव को बाहर निकाला गया। चितरंगी तहसील के अंतर्गत ग्राम वर्दी के गोपत नदी में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामले में यहां पूजा पाठ के लिए परिवार के साथ आया 11 साल का एक बालक नहाने के दौरान नदी में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस, जिला होमगार्ड और एसडीआरएफ टीम के साथ मौके पर पहुंची। करीब 6 घंटे चले रेस्क्यू के बाद बालक के शव को नदी से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।